यह है वन प्लस नोट बर्ड्स बेस्ट टी डब्ल्यू एस ईयरबड्स, नॉट जस्ट अंडर 3000 रुपीज बट अंडर 5000 रुपीज एज वेल। और ये मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे के जो रीजन्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और किसी भी टी डब्ल्यू एस प्रोडक्ट को यहाँ पे 5 ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उन्हें डिफाइन करते हैं, और वो 5 एट्रीब्यूट्स हैं साउंड परफॉर्मेंस, इंटीग्रेशन विद स्मार्टफोन एंड फीचर्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड बैटरी। तो मैं वन बाय वन इन सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू हैड अ क्लियर आइडिया व्हाट दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। वैसे तो ये बड्स मैंने जुलाई में खरीद लिए थे, लेकिन ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, और इसका रीज़न यही है कि मैं यहाँ पे एक डिटेल रिव्यू बनाना चाहता था जिसमें कि मैं कवर करूँ हर एक एस्पेक्ट को इस प्रोडक्ट की। सो दिस इज द लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ वन प्लस नोट बड्स, बेस्ट प्रोडक्ट वन प्लस हैज लॉन्च दिस ईयर सो फार। तो साउंड परफॉर्मेंस यहाँ पे बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी रहती है जब भी आप किसी ऑडियो प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट दैट द साउंड क्वालिटी ऑफ दीज ईयरबड्स इज फिनोमिनल। वैसे तो मैंने काफ़ी टी डब्ल्यू एस प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, चाहे मैं बात करूँ यहाँ पे एप्पल एयरपोड्स की या फिर सैमसंग बड्स की, और मैंने बोट्स की तरफ से भी काफ़ी टी डब्ल्यू एस प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। और वन प्लस नोट बड्स की जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पे एयरपोड्स और सैमसंग लेवल की प्रीमियम फील देती है, इफ़ नॉट बेटर इन सम एरिया। I know it's hard to swallow, but you really have to try them if you don't believe that. और generally अगर हम sound quality की बात करें तो 3 ऐसे attribute होते हैं जो कि sound quality को define करते हैं, aside from sound profile, which is difficult to explain in words. तो वो 3 attribute जो sound quality को define करते हैं वो है trebles, mids and bass. तो अगर इन terms के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा brief में बता देता हूँ। ट्रेबल वो साउंड होते हैं जो कि काफ़ी हाई स्पेक्ट्रम पे रहते हैं, लाइक लाउड स्क्रीमिंग और सडन एंड शार्प लाउड म्यूजिक। मिड्स वो साउंड होते हैं जो कि काफ़ी मिडिल स्पेक्ट्रम में लेते हैं, लाइक वॉइस, एंड यू ऑल नो व्हाट द बेस इज। और जो साउंड परफॉर्मेंस मेजर की जाती है किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट की, वो इस चीज़ से की जाती है कि वो इन सभी ऑडियो स्पेक्ट्रम को कितने अच्छे तरीके से सेपरेट करता है, और वन प्लस नोट बड्स एक्सीलेंट है इस चीज़ में। अगर यहाँ पे कोई सडन एंड शार्प साउंड है ट्रेबल स्पेक्ट्रम में जस्ट फॉलोइंग द बेस, इट डजंट ओवरराइड द बेस, इट रिस्पॉन्ड्स टू एनी फ्रीक्वेंसी वेरी क्विकली। और अगर आप साउंड प्रोफाइल को लेके कंसर्न है तो जैसे कि मैं पहले बता चुका, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट आई वुड से इट इज़ एज गुड एज एनी टी डब्ल्यू एस, कॉस्ट अराउंड 8 to 10,000 रुपीज। और अगर नॉइस कैंसिलेशन की बात कर लूँ, हालांकि आपको यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलती है, बट द पैसिव नॉइस कैंसिलेशन यू गेट विद दिस इज द बेस्ट। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक जो सुनता हूँ 65-75% वॉल्यूम पे सुनता हूँ, एंड इवन ऑन दैट वॉल्यूम आई गेट टोटली डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड। एंड फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं यहाँ पे रोड पे चला गया इसे टेस्ट करने के लिए, जो कि काफ़ी नॉइजी इन्वायरमेंट है, एंड इवन ऑन दैट इन्वायरमेंट विद द 65-70% वॉल्यूम आई वॉज नॉट एबल टू हियर एनी सिंगल होंक ऑफ हॉर्न, एंड दैट्स हाउ इट गेट्स विद द पैसिव नॉइज कैंसिलेशन। और मैं यहाँ पे एग्जैजरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसकी साउंड क्वालिटी को रेटिंग देनी हो तो मैं यहाँ पे 10 out of 10 रेटिंग दूंगा। एंड इफ समहाउ इसके बाद भी अगर साउंड क्वालिटी आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रही है, देन इट कैन बी फर्दर इन्हांस बाय द फीचर्स इट प्रोवाइड्स, जिसके बारे में अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाला हूँ, विच इज इंटीग्रेशन एंड फीचर्स। साउंड क्वालिटी इन ईयरबड्स के फिनोमिनल है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन साउंड प्रोफाइल को लेकर किसी का यहाँ पे डिफरेंट प्रेफरेंस रहते हैं, और इस केस में यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होना काफ़ी हैंडी रहता है, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन इस फीचर के एडवांटेज लेने के लिए आपके स्मार्टफोन में भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होना चाहिए, एंड लकी फॉर मी आई हैव सैमसंग A52, एंड लाइक मेनी अदर सैमसंग फोन्स इट हैज डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, एंड आई थॉट इट वुडंट मेक मच डिफरेंस, बट आई वॉज स्ट्रॉन्ग स्पेशली इन YouTube वीडियोस। यहाँ पे आपको डे एंड नाइट का डिफरेंस देखने को मिलता है जब आप डॉल्बी एटमॉस को टॉगल करते हैं विद द वॉइस सेटिंग्स। अनदर थिंग विच मेक नाइट एंड डे डिफरेंस इज साउंड प्रोफाइल इन इट्स कंपेनियन ऐप। इनिशियली जो साउंड प्रोफाइल है कि वो थोड़ी फ्लैट रह सकती है, येस बेस एंड ट्रेबल्स वुड स्टिल बी प्रोमिनेंट, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं देन ऐप में जाइए और जो साउंड प्रोफाइल है उसे बोल्ड पे सेट कर दीजिए, इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस व्हेन वॉइस इज क्रूशियल। और यही वो पार्ट था जहाँ मैंने रियलाइज किया कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वन प्लस नोट बड्स की वो यहाँ पे 8 to 10,000 के जो ईयरबड्स आते हैं उस लेवल की है। एंड बाय द वे एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करनी भूल गया, लाइक मेनी प्रीमियम टी डब्ल्यू एस दिस प्रोडक्ट हैज ऐप सपोर्ट,
और अगर आपके पास कलर ओएस डिवाइस है देन आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाइए और वहाँ से आप वो सभी फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई कलर ओएस डिवाइस नहीं है इवन देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, जस्ट हेमेलिडे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से और इस ऐप के थ्रू आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन साउंड प्रोफाइल्स, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, और आपको यहाँ पे इक्वलाइजर भी देखने को मिल जाता है। और इस ऐप के थ्रू आप यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल टैप एक्शन पे सेट कर सकते हैं इंडिविजुअल ईयरबड्स पे सेपरेटली। और मैंने यहाँ पे लेफ्ट ईयरबड पे जो डबल टैप का एक्शन है वो सेट कर रखा है फॉर प्रीवियस ट्रैक, और डबल टैप का एक्शन राइट ईयरबड पे मैंने सेट कर रखा है फॉर द नेक्स्ट ट्रैक। और यहाँ पे कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स है जो कि इस प्रोडक्ट को काफी प्रीमियम फील देते हैं। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये प्रीमियम फील देते हैं, ये क्यों नहीं कहा कि इस प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इनका जो प्राइस है वो 2400 रुपीज़ है, और जो रेगुलर प्राइस रहता है इन ईयरबड्स का जिस प्राइस पे मैंने ये खरीदे वो है 2800 रुपीज़। और इवन इस प्राइस पे भी 2800 रुपीज़ पे भी ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है इफ़ यू कंसिडर व्हाट दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड्स। There are two aspects of design in TWS, design of the case and design of the earbuds itself. और TWS के केस में एक अच्छा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल रहता है हाउ फिट एंड द कम्फर्टेबल द प्रोडक्ट इज़। और ईयरबड्स मैं यहाँ पे दोनों ही कलर में यूज़ कर चुका हूँ, ब्लैक में भी और वाइट में भी। जो ब्लैक कलर है वो यहाँ पे क्लासी मैट फिनिश के साथ में देखने को मिलता है और जो वाइट कलर है वो यहाँ पे ग्लोसी फिनिश में आता है। वेल, डिज़ाइन इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, तो मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड से पूछा वो क्या सोचते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, और उन सभी का रिस्पांस था कि दे डोंट लाइक द डिज़ाइन। और अगर मैं अपनी बात करूं देन आई वुड से आई एम नॉट द बिग फैन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द केस। लेकिन अगर मैं ईयरबड्स की बात करूं देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ईयरबड्स का डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड इट्स नॉट लाइक कि वन प्लस ने यहाँ पर एयरपॉड्स को मिमिक करने की कोशिश करी है लाइक एवरीवन इज़ डूइंग। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंट और यूनिक दिखाने के लिए कुछ भी कर दिया वन प्लस ने डिज़ाइन को लेके। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ईयरबड्स का, दे आर क्लियरली गुड और काफ़ी प्रीमियम टच भी इसमें देखने को मिल जाता है आपको। और एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है डिज़ाइन को लेके ईयरबड्स की, ये जो कैपेसिटिव टच पॉइंट आपको देखने को मिलता है ये काफ़ी प्रीमियम टच देता है इसके डिज़ाइन को, और ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। वन प्लस नोटबड्स यहाँ पे काफ़ी ईजिली डिस्टिंग्विश किया जा सकते हैं अमंग द क्राउड एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज ये यहाँ पे किसी भी जेनरिक सेट ऑफ ईयरबड्स की तरह नहीं दिखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे फिनिश की बात करूँ तो पहले तो मैंने ये वाइट कलर में यूज़ करे एंड दे लुक्ड रियली गुड रियली प्रीमियम, बट बिकॉज ये एक ग्लोसी फिनिश थी यहाँ पे काफ़ी जल्दी स्क्रैचेस देखने को मिल गए, लाइक जस्ट 2-3 दिन बाद ही यहाँ पे काफ़ी स्क्रैचेस देखने को मिल गए थे। उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर में खरीदे और मैं काफ़ी टाइम से ब्लैक कलर में ही इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो जो ब्लैक कलर है वो मैंने खरीदा था क्योंकि ये अब मैच करता है मेरे स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच से, वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मैट ब्लैक के साथ में है, तो अब ये पूरा सेट मेरा मैट ब्लैक फिनिश के साथ में हो गया है। लेकिन अगर मैं इनकी वन प्लस नोट बड्स पर वापस आऊँ, इसकी जो मैट ब्लैक फिनिश है वो कैसी है, तो मैं बोलूँगा स्क्रैच तो अभी तक यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, एक दो स्क्रैच हैं यहाँ पे, बट दैट इज़ बिकॉज आई ड्रॉप्ड इट। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अ गुड डिज़ाइन कंट्रीब्यूट्स टू हाउ कम्फर्टेबल द प्रोडक्ट इज़। तो अगर मैं इसी के बारे में बात करूँ कम्फर्ट के बारे में, तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कानों में लगाने के बाद भूल जाएंगे आपने कुछ लगा रखा है, लाइक आई डू विद माय बोट ईयरबड्स। जब मैं अपने बोट के ईयरबड्स यूज़ करता हूँ जो कि है बोट 281, उन्हें लगाने के बाद मुझे कुछ भी फील ही नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता मैंने कान में कुछ लगा रखा है। लेकिन वन प्लस नोट बड्स के केस में ऐसा नहीं है, शुरू के 1-2 घंटे में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो सकता है। और ये केस अगेन मेरे जो बोट के TWS हैं उनके साथ में नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मैं फिट की बात करूँ, ऑल आई कैन से इज दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर व्हेन यू पुट देम इन योर ईयर्स। बिल्ड क्वालिटी इज अनदर रीजन व्हाई दिस प्रोडक्ट फील्स लाइक अ प्रीमियम सेट ऑफ TWS। और बिल्ड क्वालिटी को लेकर यहाँ पे दो ऐसी चीजें विच रियली स्टैंड आउट, और वो दो चीज़ें क्वालिटी ऑफ मैग्नेट्स एंड क्वालिटी ऑफ हिंज। और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करूँगा अपने बोट के TWS से। तो पहले अगर मैं मैग्नेट्स की बात करूँ, तो जो मेरे बोट के ईयरबड्स हैं उन्हें अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे भी रखता हूँ, जब भी वहाँ पे चांस रहता है कि वो सही से फिट नहीं हुए, सही से स्नैप नहीं हुए और गिरने के चांस रहते हैं वहाँ पे,
लेकिन अगर मैं अपने OnePlus Nord Buds की बात करूं तो उनकी जो मैग्नेट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो थोड़ी दूर से ही स्नैप हो जाते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उनके प्लेस पर लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक बार वो स्नैप हो गए, आप कितना भी उन्हें हिला लीजिए, कितना भी शेक कर लीजिए, वो बाहर नहीं आने वाले, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अगर मैं हिंज की बात करूँ, आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई फर्स्ट ओपन्ड इट, तो जो इसकी लिड है वो काफ़ी स्मूथली ओपन हो जाती है विद जस्ट अ स्लाइट पुश, और एक बार ओपन हो जाती है लिड तो वो यहाँ पे ओपन ही रहती है। इट्स नॉट लाइक कि वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, यहाँ पे विद जस्ट अ स्लाइट पुश ये लिड यहाँ पे बंद भी हो जाती है। और अगर इस चीज़ को मैं कंपेयर करूँ अपने बोट के TWS से, तो आपको वो मैनुअली ओपन करनी पड़ेगी अपने दोनों हैंड का यूज़ करके, फॉरगेट अबाउट ओपनिंग इट बाई वन हैंड। और बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूँ, जैसे कि स्पीकर ग्रिल्स, तो यहाँ पे आपको मेटल के स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे दो स्पीकर ग्रिल्स हैं ईच ईयरबड में, और एयर टिप्स भी यहाँ पे रिप्लेसेबल है। और इस तरह की जो स्मॉल डिटेल्स होती है वो आपको इस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलती। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ OnePlus pulled this off, a recognizable brand giving this much value for money product। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो ऑन पेपर आपको यहाँ पे 30 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, बट हाउ डज इट ट्रांसलेट टू रियल लाइफ, बिकॉज दैट इज़ मोर रिलेवेंट फॉर यू। तो मैं आपको अपनी यूसेज बता देता हूँ, और जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा बैटरी लाइफ को लेके। तो OnePlus Nord Buds मैं यहाँ पे डेली यूज़ करता हूँ 2 से 3 घंटे, और जो मेरी यूसेज है वो रहता है मिक्स ऑफ सम यूट्यूब वीडियोज विद 45-50% वॉल्यूम एंड सम म्यूजिक लिसनिंग विद 65-75% वॉल्यूम। और इस यूसेज पे ये जो OnePlus Nord Buds हैं, मैं इन्हें 20 से 25 दिन में एक बार चार्ज करता हूँ, तो इस तरह के कुछ यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद द OnePlus Nord Buds। अगर आपको इस प्रोडक्ट में कोई कमी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इस रिव्यू में आपको कोई कमी लगी, कोई पॉइंट ऐसा था जो कि इररिलेवेंट था, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। और इसी के साथ मैं साइन ऑफ करूँगा आज के वीडियो। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।